नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी। हमारे इस चैनल में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, जो विषय है जिसका नाम है अच्छे अंक की प्राप्ति कैसे किया जाए। ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे हमें अच्छे अंक की प्राप्ति हो। तो मित्रों, हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बगल में बेल आइकन आएगा उसे टच करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो पूरा देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करें हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बिना देर किए हुए अब हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। आजकल के इस तेज़ रफ्तार युग में हर व्यक्ति जल्द से जल्द सफल व संपन्न हो जाना चाहता है, जिसके लिए वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर बड़ी से बड़ी नौकरी व आजीविका करना चाहता है। परंतु इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल अच्छी शिक्षा का पाना ही, अच्छी शिक्षा का होना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना भी जरूरी होता है। यहाँ कुछ सुलभ और सहज उपाय और टोटकों का विवरण हम आपको दे रहे हैं। विवरण डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं, जिन्हें अपना कर कोई छात्र अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा देने जाते समय यदि छात्र को रास्ते में किसी पेड़ का पौधा गिरता हुआ दिखाई दे तो उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़कर अपनी जेब या बैग में उसके कुछ पत्ते या डाल रख लें, उस दिन की परीक्षा अच्छी होगी। जो विषय कठिन लगता हो उसकी पुस्तक में गणेश जी का चित्र तथा दुर्वा यानी कि हरा दूब के 11 पत्र रख लें। मंगलवार को उस पुस्तक को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें और थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर कुमकुम, रोली, पुष्प, धूप, दीपादि से यथासंभव उसकी पूजा करें और किसी भी खाद्य पदार्थ से भोग लगाएं। फिर इस पुस्तक को अपने तकिए के नीचे रख दें। जब तक इस पुस्तक का अध्ययन करना हो तो उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ माथे से लगाएं और अध्ययन के बाद पुनः तकिए के नीचे रख दें। ऐसा परीक्षा आने तक नित्य करें, आशातीत निश्चित ही लाभ मिलेगा। सरस्वती यंत्र का जल से अभिषेक कर गंध, पुष्प, फूल, धूप, दीप आदि से उसकी पूजा करके शुक्ल पक्ष में गुरुवार या पूर्णिमा को अपने घर पर स्थापित करें तथा 41 दिन तक ऐंग महासरस्वत्यै नमः मंत्र का 21 बार जप करें तथा सरस्वती चालीसा का पाठ करें। परीक्षाओं के समय मीठा दही नियमित रूप से लें, परंतु ध्यान रखें कि प्रतिदिन इसे लेने के समय में परिवर्तन करते रहना चाहिए। अर्थात यदि पहले दिन सुबह 8 बजे लिया हो तो अगले दिन 9 बजे लें। इस क्रिया को रोज 1 घंटा आगे बढ़ाते रहें, ईश्वर की कृपा निश्चित ही प्राप्त होगी। गुरु पुष्य योग के बुधवार को गणेश जी मंदिर में सिंदूर दान करें तथा उन्हें लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। अध्ययन यथासंभव ब्रह्म मुहूर्त में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर ही करें। स्वर शास्त्र के अनुसार जब दायां स्वर यानी सूर्य स्वर चल रहा हो तब कठिन विषय पढ़ें। परीक्षा में जाते समय जो स्वर चल रहा हो उसी के अनुरूप पैर पहले बाहर निकालें। परीक्षा कक्ष में भी स्वर के अनुरूप ही पैर बढ़ाकर प्रवेश करें। स्मरण शक्ति को प्रबल करने हेतु ब्राह्मी और शंख पुष्पी का सेवन करें तथा कपूर व फिटकरी हमेशा साथ में रखें। मन की एकाग्रता हेतु पांचवें भाव का स्वामी ग्रह का इत्र परीक्षाओं के दिन सूंघें और लगाएं। ग्रहों के इत्र का विवरण नीचे की तालिका में आपको हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जरूर पढ़ेंगे। परीक्षा के समय वार के अनुरूप किए जाने वाले उपाय। सोमवार को शिवलिंग पर पान का पत्ता चढ़ा कर जाएं। बुधवार धनिया चबा कर जाएं। गुरुवार को केसर का तिलक करें और पीली सरसों लेकर जाएं। शुक्रवार के दिन देवी को खीर का भोग लगाकर और प्रसाद खाकर जाएं। शनिवार के दिन राई के दाने खा करके जाएं। राशि के अनुरूप क्या है टोटके वो जाने। तो मेष राशि व वृश्चिक राशि दोनों राशियों का स्वामी मंगल है, अतः मंगलवार को दूध व जल से शिवलिंग का अभिषेक कर मसूर की दाल, गुड़ व गुलाब के फूल 1 या 8 चढ़ाकर प्रार्थना करें और गाय को गुड़ खिलाएं। फिर स्वयं एक टुकड़ा गुड़ खाकर परीक्षा देने जाएं। निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी।
वृष राशि और तुला राशि क्या करें, शुक्रवार को सफ़ेद गाय को जौ खिलाएं, शुक्र व सरस्वती स्तोत्र का जप कर मिश्री खाकर परीक्षा देने जाएं। मिथुन राशि और कन्या राशि क्या करें, बुधवार को बुध व गणेश स्तोत्र का जप करें, साबुत मूंग दान करें और हरा रुमाल साथ लेकर के परीक्षा देने के लिए जाएं। कर्क राशि, सोमवार को रुद्राभिषेक कर शिवाष्टक या चंद्र स्तोत्र का पाठ कर और दर्पण में चेहरा देखकर परीक्षा देने जाएं। सिंह राशि, रविवार को सूर्य को रोली मिश्रित जल का अर्घ्य दें और सूर्य स्तोत्र का पाठ कर गुड़ खा करके जाएं। धनु और मीन राशि, गुरुवार को मंदिर में पीली वस्तुएं, चने की दाल, पीले फूल व फल, हल्दी केसर आदि दान करें, गाय व घोड़े को चने की दाल खिलाएं और नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर तथा पीला रुमाल लेकर परीक्षा देने जाएं। मकर व कुंभ राशि, शनिवार को शनि मंदिर में शनि की वस्तुएं उड़द, लोहा, तिल, काले वस्त्र, नीले फूल आदि दान कर शनि स्तोत्र का पाठ करें और अदरक का टुकड़ा लेकर परीक्षा देने जाएं। इन उपायों के अतिरिक्त गुरु यंत्र धारण करने से भी परीक्षा में गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है तथा अच्छे अंक की प्राप्ति होती है। यह यंत्र गले में ताबीज की तरह भी धारण करना चाहिए। विशेष, सभी सामग्री शुद्ध, असली व प्रामाणिक होना जरूरी है। अगर ऐसा आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। आगे पुनः हम किसी और विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।